स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश सेकेंड क्लास एट्थ, लेसन वन पार्ट टू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉज फ्रॉम हेयर। सो नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द क्लॉज। सो लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप। इस वर्ड ग्रुप को अपन देखते हैं। लीव्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर, तो पत्तियां जो कि ग्रीन कलर की हैं, बस इतना भी ध्यान देना, ठीक है। अब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर, तो जो ये लीव्स को छोड़ करके विच आर ऑफ ग्रीन कलर का जो ग्रुप है वर्ड्स का, ऑल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव। वो एक एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण की तरह भी एक्ट कर रहा है। बट इट डिफर्स फ्रॉम अ फेज इन फॉर्म, लेकिन वो फेज से डिफर है। इट हैज़ वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, और वर्ब भी है इसके पास, सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बट स्टिल इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, लेकिन फिर भी वो पूरी मीनिंग नहीं बता पा रहा है। इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट लाइक अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस की तरह भी नहीं लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ अ कम्प्लीट थाट, ये एक सोच का पार्ट लग रहा है बस। सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस बट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इस वजह से ये सेंटेंस तो नहीं है लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सच अ वर्ड ग्रुप इज नोन एज क्लॉज, और ऐसे वर्ड ग्रुप्स को हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। नाउ अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो क्लॉज एक ऐसे शब्दों का ग्रुप होता है जो कि सेंटेंस के साथ मिल करके एक फाइनाइट वर्ब क्रिएट करते हैं, कंटेन, मतलब एक फाइनाइट वर्ब को कंटेन करते हैं, ठीक है। अ क्लॉज इज अटैच्ड टू अनदर क्लॉज और अदर क्लॉजेस, तो एक क्लॉज दूसरे क्लॉज को से अटैच्ड होता है, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स, ऑब्जर्व करिएगा फॉलोइंग वर्ड ग्रुप्स को विच फॉर्म अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। लीव्स विच आर ऑफ ग्रीन कलर मेड फूड फॉर द प्लांट्स, तो लीव्स जो कि ग्रीन कलर की हैं वो खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ही कुड नॉट गो बिकॉज ही वॉज इल, वो जा नहीं सका क्योंकि वो बीमार है। आई गेव हिम द बुक विच ही नीडेड, मैंने उसको वो पुस्तक दी जिसकी उसको ज़रूरत थी। Each of the proceedings has sentence have two clauses, तो इन हर एक sentence में दो clauses हैं। He could not go, एक ये है he could not go, दूसरा है because he was ill, फिर तीसरा है ये वाला I gave him a book, पहला clause, और which he needed, दूसरा clause। तो these two clauses are added to make a complete sentence, और ये दो clauses add होते हैं एक complete sentence बनाने के लिए। A clause can also act as a noun, adjective or an adverb, तो clause noun भी हो सकता है, adjective भी हो सकता है, और adverb भी हो सकता है, ठीक है। Such study the clauses in the following sentences, she is sure that she will pass, noun clause, तो she will pass, ये clause है और ये noun clause है, क्योंकि वो पास होगी, नाउन है, नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा का मतलब कुछ का के करना करने वाले को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है। और ही इज़ द बॉय हु सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, एडजेक्टिव क्लॉज है ये, तो ये जिसने पहली रैंक, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा की, तो वो बॉय है जिसने पहली रैंक लाया है, ठीक है। शी नॉक्ड, सॉरी नाउन का होता है, नाउन का मतलब होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। अब शी नॉक्ड एट द डोर वेयर वी वर अबाउट टू स्लीप, तो उसने तब नॉक किया डोर पे जब हम लोग सोने वाले थे, एडवर्ब क्लॉज है, हम लोग सोने वाले थे, ठीक है। The sentence. So this is only for today. Till here, and we will start from here. I hope you are understanding. I hope you all have to learn all this definitions and all. Then only you are able to understand it. Okay. So thank you.